नमस्कार दोस्तों, सीएससी बेली वर्क सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के शोध में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और जो सरकार द्वारा दिए जा रहे इस लाभ को लेना चाह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन से अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे कि आपके यहाँ पर आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से कर सकते हैं पीएम किसान पोर्टल से। यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन बायोमेट्रिक से, आपको हम बताने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सीएससी से ही अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। यहाँ पर आपको पीएम किसान पोर्टल पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंटरनल लॉगिन, इसी के नीचे आपको इस पर क्लिक कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पर सीएससी लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको सीएससी लॉगिन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर सीएससी लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर तमाम सारी सर्विसें पीएम किसान से रिलेटेड मिल जाएंगी, न्यू रजिस्ट्रेशन, एडिट फार्मर डिटेल, अपडेट आधार, मेक पेमेंट, बायोमेट्रिक की केवाईसी, यहाँ पर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप आधार नंबर फिलअप करके और यहाँ पर आपको सर्च का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एंटर योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बोला, इसमें आप कोई भी एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं चाहे वो आपका आधार से रजिस्टर्ड हो या ना हो। इसके बाद यहाँ पर आपको गेट मोबाइल ओटीपी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने जो नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी भेज दिया गया है, आपको ओटीपी इसमें फिलअप कर लेनी है। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सबमिट ओटीपी का, सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर डिवाइसें आ जाएंगी जिससे आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट के जरिए से अपना फॉर्म ओपन कर सकते हैं और अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सिस्टम में मंथरा डिवाइस वर्क कर रही है तो यहाँ पर कैप्चा फॉर ई के वाई सी मंथरा का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आपके मंथरा सिस्टम में मंथरा डिवाइस अनइंस्टॉल है तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक टॉपअप आएगा, इसको आप ओके कर दोगे तो फिंगरप्रिंट में लाइट जल जाएगी और यहाँ पर कैप्चा सक्सेसफुल हो चुका है, एक टॉपअप आ जाएगा, इसको ओके करोगे। ओके करने के बाद आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेना है, सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना रहेगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, फिर यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट अपना चयन करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ब्लॉक से हैं आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपको अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है, विलेज आपको उसे सेलेक्ट करना है जहाँ से आपकी खतौनी आती है, खतौनी जहाँ की है उसे ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैटेगरी का, नीचे आपको यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी जनरल जिस भी कैटेगरी से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको फार्मर टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्मॉल और अदर का ऑप्शन है। यदि 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो आपको स्मॉल पे सेलेक्ट कर लेना है, 2 हेक्टेयर से अधिक है तो अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है, जो आपने पहले डाला था वह भी डाल सकते हैं, दूसरा नंबर भी दे सकते हैं। देन यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी फिलअप करनी रहेगी। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है और कहाँ से मिलेगी, इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप अपने लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी पता कर सकते हैं कहाँ से मिलेगी, ये भी हम उसमें बताया है। उसको देखकर आप वहाँ से लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल कर अपने यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा राशन कार्ड, राशन कार्ड है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें एनए भी डाल सकते हैं, वो तो ज़रूरी है आपको यहाँ पर डाल लेना है, नहीं है तो उस केस में आपको एनए डाल लेना है। देन यहाँ पर आपको पीएम मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। ओनरशिप होल्डिंग, यहाँ पर लैंड होल्डिंग का ऑप्शन है, यदि आपका खतौनी में सिंगल नाम है तो सिंगल पर क्लिक करोगे, कई नाम है तो आपको ज्वाइंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ज्वाइंट पर क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर आपको खतौनी ऐड करने का एक ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको ऐड का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर आपको खतौनी की डिटेल फिलअप करने के लिए आ जाएगा, यहाँ पर आपको खतौनी की डिटेल फिल करनी है। देखिए यहाँ पर आपको खाता संख्या अपनी खतौनी में देखने को मिल जाएगा, खाता संख्या आपको इसमें फिलअप करना है।
यहाँ पर आपको खसरा नंबर जो कि गाटा संख्या होती है, गाटा संख्या आपको इसमें डाल लेना है। टोटल एरिया जो आपकी खतौनी में होगी वहाँ से आपको हेक्टेयर में डाल लेना है, हेक्टेयर में ही खतौनी में होती है। यदि यहाँ पर आपका लैंड ट्रांसफर स्टेटस 1/2/2019 से पहले आपके नाम जमीन आई है तो आपको बिफोर पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आफ्टर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डिटेल जैसे कि आपको यहाँ पर फादर की डेथ के बाद आई है या आपने परचेज किया है उस डिटेल को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी डेट में आपको जमीन मिली है, आपके नाम जमीन हुई है, उस डेट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको प्रीवियस ओनर का आधार नंबर है तो डाल लेंगे, नहीं है तो आप इसमें 00 डालकर ऐड पे क्लिक करोगे तो आपका डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड का यह ऑप्शन दिखा है, आपको इस पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका कुछ डिटेल इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। अगर दूसरी कोई खतौनी ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको फिर से डिटेल फिलअप कर लेनी है। डिटेल पूरी फिलअप करने के बाद ऐड पे क्लिक करोगे तो दूसरी खतौनी भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। देन यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद नीचे आप पर आपको खतौनी एक अपलोड करनी पड़ेगी, और जिसके लिए आपको यहाँ पर जिसका साइज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको खतौनी अपलोड करनी है जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपलोड कर पाओगे। यहाँ पर हम सारी डिटेल फिल कर लेते हैं, खतौनी भी अपलोड कर लेते हैं। सब कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड हैज बिन सक्सेसफुली योर फार्मर आईडी दिस प्लीज योर क्लिक मेक पेमेंट, आपको सिंपली इसको ओके कर देना है और इस फॉर्म को आपको प्रिंट करके रख लेना है। जिससे आप यहाँ पर प्रिंट आउट पे क्लिक कर लेना है, जैसे प्रिंट आउट कर लेते हो फिर ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर CSC वॉलेट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करते हो तो आपको CSC वॉलेट पे रिडायरेक्ट कर दिया गया। इसमें आपको अपना पासवर्ड और पिन डालकर अपना पेमेंट कटा लेना। जैसे आप यहाँ पर पेमेंट कटाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिसिप्ट रिसीव हो जाएगी पेमेंट कटवाने की, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप अपना जो स्टेटस है उसका 2 दिन बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि CSC से जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो तुरंत अपना स्टेटस PM किसान पोर्टल पर चेक नहीं कर पाओगे। मिनिमम आपको 1 से 2 दिन का समय लगेगा तभी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपना CSC के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल